एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मारा है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 17 का पार्ट 4, जिसमें हम ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद सारी वीडियो जो आएगी वो जीएसटी मैराथन पे आएगी। जीएसटी मैराथन जितने भी हम क्वेश्चन है वो हम करेंगे एमसीक्यू बेस से, क्यों ना वो न्यूमेरिकल के बेस पे हो, क्यों ना वो थ्योरी के बेस पे हो, ये सारे कंप्लीटेड हम करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद सारे मैराथन एमसीक्यू करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद जब नई बुक आ जाएगी आईसीआईसीआई की टैक्स लॉ की, क्योंकि नया सिलेबस आए तो इसलिए टैक्स लॉ भी डायरेक्ट टैक्स हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम डायरेक्ट टैक्स कम्प्लीट करें तो आज के वीडियो में हम ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, एग्जाम्पल जैसे यूएसए इंडिया, ठीक है, क्या करा इंपोर्ट, मैंने कोई मटेरियल मान लिया जाए कि मैंने कॉटन मंगवाया, ठीक है, ये क्या मंगवाया, कॉटन मैंने यहां मंगवाया, इंपोर्ट करवाया इंडिया, फिर इस कॉटन से मैंने शर्ट बनाया और फिर मैंने इसे क्या कर दिया, दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया यूएसए को, जहां से मैंने कॉटन मंगवाया था। तो ये जो मैंने कॉटन मंगवाया, ठीक है, इसमें मैं टैक्स दे चुका हूं, तो अब एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो टैक्स नहीं दूंगा, तो उसी के टाइम में जितना मैं ये टैक्स दिया हूं, जिस पे कॉटन पे जितना मैंने टैक्स दिया है उस पे वो रिफंड मिलेगा, उसे हम ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। मगर ये जो हमें रिफंड मिलता है कस्टम ड्यूटी टैक्स का, हमें जो रिफंड मिलता है उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इस पार्ट में पूरी करेंगे। सिंपल सी बात कहेगी, इंपोर्ट गुड्स को जो एक्सपोर्ट करा जाता है, इंपोर्ट्स गुड्स को जो हमने इंपोर्ट मंगवाया कोई गुड्स उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। यहाँ पे जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजन एनेबल द एक्सपोर्टर, कौन, एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन अ रिफंड ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड विच आर मेड फॉर री एक्सपोर्टेड। सिंपल, कोई भी इंपोर्टेड गुड आई है, इंपोर्ट करा गया है, उसे हम री एक्सपोर्ट करने वाले, उस पर मिल सकता है। इनपुट विच आर प्रोसीड For or use in manufacturing of final product to be exported. जैसे यहाँ example लिया था, cotton मंगवा रहे, cotton shirt बना के हम फिर उसे क्या कर रहे हैं, export कर रहे हैं। तो इन दो केसों में हमें क्या मिल सकता है, हमारा duty drawback, इसका मतलब हम जो duty pay करिए उसका refund हमें मिल सकता है। Simple. The central government empowered to grant duty drawback under section 17(4) and 75. This benefit available not only the re-exporter of duty-paid goods but also the importer material used in manufacture of goods which are exported. Simple सी बात है, जरूरी नहीं कि हम re-export करने वाले ही product पे मिलेगा, कोई ऐसे भी होगा जो import करा गया है और import करने के बाद उसे final product बना के export करा गया, उस पे भी duty drawback मिलेगा। These goods should be entered for export within a 18 month. और जितने भी ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करे जा रहे हैं, मान लिया जाए कॉटन मंगवाया, कॉटन से मैंने शर्ट बना के उसे क्या करना पड़ेगा, 18 मंथ से पहले हमें वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ना। द प्रोसीजर अंडर एट द टाइम ऑफ द एक्सपोर्ट द एक्सपोर्टर शैल एंडोर्स द शिपिंग बिल टू प्रॉपर कस्टम ऑफिसर, नेसेसरी फॉर्म ARE 1 आर सबमिटेड। ये याद रखेंगे अगर कभी भी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो उसका प्रोसेसर में हमें ARE 1 फाइल करना पड़ता है, तभी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। कस्टम ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिट अ क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्टेशन इफ अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट पेड टू एक्सपोर्टर टर्न आउट द हायर देन वट इज एलिजिबल टू दिस अमाउंट वुड हैव टू बी रिपीट बैक टू द कस्टम अथॉरिटी। अगर ऐसा लगता है कि जो अमाउंट है, जो ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट है और इस पे जितना भी इंटरेस्ट पेड करा है, ठीक है, वो हायर है किससे, जितना एलिजिबल होना चाहिए एक्सपोर्टर, तो जितना भी हायर है वो रिपेट करेगा किसको, कस्टम ऑफिसर को। सिंपल, इफ देयर इज अ ड्रॉबैक व्हिच इज मेड टू द एक्सपोर्टर वुड इवेंचुअली कैन नॉट रियलाइज द इनवॉइस एक्सपोर्ट विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द फर्म, सच ड्रॉबैक कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द एक्सपोर्टर। कहा गया है कि अगर ड्रॉबैक उसे चाहिए तो हम यहाँ पे जैसे पढ़ा था कि 18 मंथ, वैसे अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट, जो फेमा एक्ट दे रखा उसमें भी ये कुछ ऐसे कंडीशन दिए हैं कि हमें उतने दिन के अंदर ही एक्सपोर्ट करना है, तभी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। आगे चलते हैं,
एक्सपोर्टर कुड ऑप्ट फॉर ड्रॉबैक एज पर द ऑल इंडस्ट्री रेट और द ब्रांड रेट. द ऑल इंडस्ट्री रेट आर फिक्स्ड एनुअली बाय द डायरेक्टर ऑफ ड्रॉबैक बट ब्रांड रेट आर स्पेशल प्रोडक्ट. सिंपल सी बात है, यहाँ से पूरा का पूरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट में डाल लेंगे. ठीक है, क्या एक्सपोर्टर कुड ऑप्ट फॉर ड्रॉबैक एज पर द इंडस्ट्रियल रेट और ब्रांड रेट. दो तरीके से हम ड्रॉबैक जो रेट है वो डिसाइड करे जा सकते हैं, एक्सपोर्टर डिसाइड करेगा, मगर जो ऑल इंडस्ट्री रेट है वो डायरेक्टरेट ऑफ ड्रॉबैक द्वारा डिसाइड करा जाता है, मगर कोई ब्रांड रेट है वो स्पेशल प्रोडक्ट के द्वारा डिसाइड करा जाता है. सिंपल. नाउ वेयर द गुड्स आर नॉट पुट इन टू यूज आफ्टर 90% ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज असमर अंडर सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट 1962. सिंपल सी बात कहेगी, अगर गुड्स मंगवा ले जाकर मैंने कॉटन मंगवाया, ठीक है, कॉटन को मैंने इंपोर्ट करवाया इंडिया में और उसे मैंने बिना यूज करे, मान लिया 100 रुपए का कॉटन था, मैंने उसे यूज करे बिना उसे एक्सपोर्ट करवा दिया, तो 90% मेरा अमाउंट जो है रिफंड, इसका मतलब 98 रुपए मेरे को रिफंड हो जाएगा और 2 रुपए टैक्स की तरफ रख लिया जाएगा. सिंपल. इन केस वेयर द गुड्स हैव बीन पुट इन टू यूज आफ्टर इंपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक इज ग्रांटेड ऑन द स्लाइडिंग स्केल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ गुड्स. No duty drawback is available if goods are exported 18 month after the import. और कोई भी goods 18 month से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा time के लिए हो जाता है, तो उससे उस पर हम क्या duty drawback नहीं मिलेगा. Application for duty drawback is required to be made within a 3 month from the date of export of goods, which can be extended up to 12 months, subject to condition and payment request fee. इन द ड्रॉबैक रूल 1995. सिंपल सी बात कहेगी, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो हमें 3 मंथ पहले ही बताना पड़ेगा, 3 मंथ, और ये कहां तक हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है 12 मंथ की तरह. अब यहाँ पे ये जो स्केल दे रखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर अप टू 3 मंथ पीरियड ऑफ यूज, मतलब हमने कॉटन मंगाया, ठीक है, एग्जाम्पल संग लेके चलना है, हमें इंडिया में कॉटन मंगवाया और इंडिया में कॉटन मंगा के हमने 3 मंथ के अंदर हमने क्या करा, उस गुड को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, तो हमें 90% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. इसका मतलब अगर हमने 100 रुपए पे करा होगा, 100 रुपए ड्यूटी की तरह पे करा होगा, तो हमें उस पर 95% जो होगा इनका मतलब 95 रुपए हमें वापस मिल जाएगा अगर 3 मंथ के अंदर हम करते हैं. ठीक है, 3 से 6 मंथ के अंदर करते हैं तो 85%, 6 से 9 मंथ के करते हैं तो 75%, 9 to 12 मंथ करते हैं 70%, 12 to 15 मंथ करते हैं 65%, 50 to 80 मंथ करते हैं 60% और 80 मंथ करते हैं तो जीरो. सीरियो का कहा गया शुरुआत में हम पढ़ा कि अगर 18 मंथ से अंदर हमें करना पड़ता है तभी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. सिंपल. नाउ यहाँ पे एक गैप याद रखे, अगर भूल जाते हैं, बाय चांस होता है, कंफ्यूज हो जाए, तो क्या करना, 3 मंथ का हर में गैप लेकर चलना, 3 मंथ से स्टार्ट करना, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 और नहीं, और यहाँ पे हरदम 10% का, कहां तक, यहां तक 10% लेके चलना, 95, 95, 85 और यहाँ पे क्या 5% का गैप आ रहा है. ठीक है, तो पहले 3 जो ऊपर होंगे उन्हें क्या करना है, 10% का गैप लेके चलना है, और नीचे जो 3 होंगे वो 5% का गैप लेके चलना है, और मंथ में कहा जाए तो हर में 3 मंथ का गैप लेके चलना है, अगर भूल जाए तो उसके लिए ट्रिगर. ठीक है, ड्रॉबैक इज अलाउ इफ यूज ओवर 20 मंथ ओनली द परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम इफ सब्सटेंस कॉज इशू. सिंपल सी बात कही गई कि 18 मंथ से ऊपर हो जाए तो क्या हमने कहा था कि हम गुड्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे. हमारा कुछ ऐसे कंडीशन है, अगर लगता है कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ कस्टम को लगता है हाँ इन्हें कोई सब्सटेंस कॉज है, कोई प्रॉब्लम हुई थी तभी ये 18 मंथ के अंदर नहीं दे पाए, तो इन वो 24 मंथ तक कर सकते हैं, 24 मंथ के अंदर हम ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं. सिंपल. नाउ द कस्टम एक्ट 1962 ले डाउन सर्टेन लिमिटेशन एंड कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक. No duty drawback shall be admissible where the duty drawback amount is less than 50 rupees. याद रखेंगे यहाँ पे पहला duty drawback admissible नहीं होगा कब, जब लगता है कि जो duty drawback है 50 रुपए से कम है. Then the duty drawback amount exceed 1/3 of the market price of exporter. अब इन्होंने कहा कि duty drawback amount exceed 1/3 of the market price of exporter. Market price जो है exporter का मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है, market price क्या है 100 रुपए, 100 रुपए का इन्होंने 1/3 निकाला, क्या हो गया ये 33.33,
ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने लगा कि ये जो 33.33 से ये इससे ज्यादा हो रहा है, ये क्या है, ज्यादा हो रहा, तो वो उस टाइम में भी हम नहीं देंगे ड्यूटी ड्रॉबैक, नहीं देंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेप्ट वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट एक्सीडिंग 50,000। इन्होंने कहा कि जब भी ड्यूटी ड्रॉबैक होगा वो एफओवी वैल्यू निकाली जाएगी, उसका 1%, ठीक है, 1% से कमी होना चाहिए, कमी होना चाहिए। मगर अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट है, एक शिपमेंट का 500 रुपए है, तब मिल सकता है। मगर उसे क्या होना चाहिए, एक ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन, अगर एक्सीड है पर शिपमेंट एक्सीड है 500 तो चलेगा, मगर पूरा का पूरा एग्रीगेट क्वांटिटी करके एफओवी 1% लेस देन ही दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। वेर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टर मटेरियल अंडर इन देयर मैन्युफैक्चरिंग इफ नेसेसरी सर्टेन मिनिमम वैल्यू एडिशन ओवर द वैल्यू इम्पोर्टर मटेरियल कैन आल्सो बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। सिंपल से कहा गया कि एक्सपोर्ट जो हमने गुड करा था, माने ये कॉटन जो हमने एक्सपोर्ट करा था, ठीक है, इसे हमने करा था 100 रुपए में, और हमने शर्ट बनाया, कोई भी कंडीशन लगाया शर्ट बनाया, वो हमने उससे कम में कर रहे हैं, उसे कम में बेच रहे हैं, तो उस टाइम में भी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिली जाएगी। ये चार कंडीशन याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। नाउ The duty drawback need to be paid within 1 month, and if not paid, interest payable to claimant at the specific duty drawback जो होती है authority, वो 1 month के अंदर दे देना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो उस पर interest pay करेगी कौन, authority। Also, where drawback has been paid to the claimant in excess of what is eligible, the claimant has to be time period 2 month। अब मान लिया जाए कि हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना था 50 रुपए, 50 नहीं लेके चलते 100 रुपए, ठीक है, और 100 रुपए की, 100 रुपए की जगह क्या करा अथॉरिटी ने, हमें 110 रुपए पे कर दिए, तो हमें ये जो 10 रुपए है वो 2 मंथ के अंदर रिपे करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। सिंपल। नाउ आई होप योर ड्यूटी ड्रॉबैक का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड ऑफ ड्यूटी, अगर हम ड्यूटी पे नहीं करते हैं तो हमें एक नोटिस दी जाती है। नोटिस ऑफ डिमांड मस्ट बी सर्व इन राइटिंग क्लियरली मेंशनिंग द रीजन एंड प्रोवाइडिंग द पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। जनरली सो कॉज नोटिस शुड बी सर्व विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनमेंट या पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है कि हम ड्यूटी नहीं पे करते हैं, ड्यूटी नहीं पे करते हैं, तो क्या करी जाएगी, नोटिस दी जाएगी, नोटिस दी जाएगी कि हाँ आप हमें ड्यूटी ड्यूटी पे कर दीजिए, या फिर कुछ गलती होती है जिसमें ड्यूटी कम आई थी वो ड्यूटी पे कर दीजिए। वो जो नोटिस होगी वो 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेवेंट क्या करी जाएगी, इशू करी जाएगी। सिंपल। नाउ हाउएवर इन द स्पेसिफिक केस वेयर द ड्यूटी ऑफ इंटरेस्ट नॉट पेड और शॉर्ट पेड बाय द रीजन ऑफ कॉल्यूजन विलफुल सुपरवेंशन ऑफ फैक्ट इन स्टेटमेंट देन नोटिस शुड बी सर्व विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के ड्यूटी पे नहीं करी है, तो उस टाइम में क्या हो सकता है, 5 साल तक का दिया जाता है, 5 साल के अंदर कभी भी अथॉरिटी उन्हें नोटिस दे सकती है और कह सकती है कि आप ड्यूटी पे कर दीजिए। सिंपल। द डिमांड ऑफ ड्यूटी प्रोविजन आल्सो कॉल फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अप टू 6 मंथ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड दैट कुड बी एक्सटेंड अनदर 6 ईयर, बट अटैचमेंट पीरियड कैन नॉट एक्सीड 2 ईयर। सिंपल। इन्होंने कहा यहाँ ये सारा का सारा याद कर लेना, ठीक है, पहला 1 ईयर था, 2 ईयर, ठीक है, 5 ईयर, सॉरी 5 ईयर था, और ड्यूटी ड्रॉप हो जाए। अगर मान लिया जाए कि ड्यूटी पे नहीं करी गई, पर्सन है ये अथॉरिटी है, ठीक है, इन्होंने अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है ये पर्सन है, अथॉरिटी ने क्या करा, इन्होंने नोटिस दिया मगर ड्यूटी पे नहीं करा, तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, इनके जो प्रॉपर्टी होंगे उन्हें क्या कर सकती है, वो अटैचमेंट अपने पास जब्त कर सकती है, एक तरीके से जो जब्त करेगी वो 6 महीने तक कर सकती है, और अगर लगता है कि अभी भी ये ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो जो 6 महीने और ले जा सकती है, 6 महीने और एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, मगर ये ध्यान देंगे कि 6-6 करके 2 साल से ज्यादा तक नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट में 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल। नाउ कॉन्फिशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। अब ये क्या होता है कि हम गुड्स एक तरफ से जब्त कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां जहां स्मगलिंग होती है, जहां दूसरे रूट से लाया जाता है, तो उस टाइम में अथॉरिटी क्या कर देती है, उस गुड्स को अपने पास रख लेती है,
सीज कर लेती है, उसके पोजीशन ले लेती है। तो यही बता गया है कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन वुड जनरली टेंड टू कनॉट द फोर्सफुल सीजन रिपोजिशन ऑफ गुड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी कंपनसेशन टू ओनर एज द पोजिशन ऑफ गुड विद द कॉन्ट्रेरी टू लॉ। सिंपल सिंपल सी बात कही है कि उन जो भी पर्सन अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसके गुड्स को क्या कर लेगा, गवर्नमेंट अपने पास रख लेगा या उसकी पोजीशन अपने पास ले लेगा। सेक्शन 111 सेड दैट फॉलिंग इम्प्रॉपरली इम्पोर्टेड गुड। मैं जो पॉइंट अंडरलाइन करूंगा उससे याद देना कि सेक्शन 111 किस चीज की बात करता है, इम्प्रॉपरली इम्पोर्टेड गुड, जो हमारे गुड्स इम्पोर्ट करे जा रहे हैं वो किसी अलग तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं इम्प्रॉपर तरीके से अगर इम्पोर्ट करे जा रहे हैं तो उस टाइम में उनके गुड्स को क्या कर ले, कॉन्फिस्केशन या फिर सीजर या रिपोजिशन कर लिया जाएगा। लायबल टू कॉन्फिस्केशन वेयर देर आर द इम्पोर्टेड बाय सी एयर और ऑफलोडेड अटेम्प्ट टू बी ऑफलोडेड इन अ पोर्ट अदर देन द अपॉइंटेड कस्टम पोर्ट। सिंपल से बात करेंगे, जिस पोर्ट पर उतारना था उस पोर्ट में नहीं उतार के दूसरे पोर्ट पर उतारा तब भी हम सीज कर लेंगे। Those which are imported by land, island, water, through route other than specific route, जो specific route दिया है उससे ना छोड़ के दूसरे रूट से कर रहे हैं तब भी हम confiscation कर लेंगे। दूसरा any dutiable prohibits a good bought in any bay, creek, gulf, etc. for the purpose of being landed at any other any place other than custom port। सिंपल से बात कहेगी कोई भी ड्यूटीएबल या फिर प्रोहिबिटेड गुड भी लाया तुमने मगर लाने के बावजूद भी उसे जिस कस्टम पे उतारना था उस कस्टम पोर्ट पे ना उतार के दूसरे पोर्ट पे उतारा तब भी वो क्या करेगी, कॉन्फिस्केशन कर ली जाएगी। दूसरा ड्यूटीएबल प्रोहिबिटेड गुड फाउंड कंसील इन एनी कंट्री। सिंपल सी बात है कि अगर तुम ड्यूटीएबल गुड्स या प्रोहिबिटेड गुड लेके तो आ रहे हो मगर उसे छुपा के रख रहे हो, छुपा के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हो तब भी वो गुड्स अगर पता चलता है अथॉरिटी को तो गवर्नमेंट अगर लेगी उसे सीज कर लेगी। ड्यूटीएबल प्रोहिबिटेड गुड विच शुड हैव बीन डिस्क्लोज इन द इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बट वेर नॉट। उन्होंने दिखाया, उन्होंने क्या करा है, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में दिखाया हुआ है कि हाँ ये गुड्स हमारे पास है मगर पता चला वो गुड्स नहीं है तब भी क्या कर लेगी, सीज कर ली जाएगी उनकी गुड्स। Dutiable prohibited good remove attempt to be removed from warehouse or custom situation without permission। क्या कहा गया कि अगर warehouse में हम कोई goods रखते हैं या फिर port पर कोई goods रखते हैं तो हमें एक order या एक permission लेना पड़ता है warehouse keeper से या फिर custom officer से, हमें permission लेना पड़ा, हमने वो बिना permission लिए ही goods इधर से उधर कर दिए या फिर remove कर दिए तब भी हम क्या होंगे, liable होंगे, तब भी हम क्या होंगे, liable होंगे for the confiscation। Goods which do not match the description in the document vis-a-vis value and any other particular। उन्होंने कहा कि अगर गुड्स जो मंगवाया है उसके डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिलने कि गुड्स तुम मंगवाया कुछ और है और आ कुछ और रहे। एनी गुड्स विच वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ड्यूटी सब्जेक्ट टू कंडीशन विच वर इवेंचुअली नॉट मेट। सिंपल से कहा गया कि और वो गुड्स जो एग्जेम्प्टेड है और वो एग्जेम्प्टेड के क्राइटेरिया को नहीं मैच करते, ठीक है, उन सबको क्या करे, कॉन्फिस्केशन करा सीज करा जा सकता है। सेक्शन 111 किसके बात कर, इम्प्रॉपरली इम्पोर्टेड गुड्स की बात करता है। नाउ सेक्शन 113 इज दैट दैट फॉलिंग इम्प्रॉपरली एक्सपोर्टेड गुड्स शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। यहाँ पर इम्प्रॉपरली एक्सपोर्टेड ऊपर किसके बात की, इम्पोर्टेड, सो 11 किसकी बात करता है, एक्सपोर्टेड गुड की, और 13 किसकी बात करता है, एक्सपोर्टेड गुड की। वही सारी है जो ऊपर हमने पढ़े, वही सारी इसमें भी चीजें दी गई हैं। नाउ डील 115 किसके बाद, कन्विंस विच आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन। अब ऐसे कन्विंस जैसे व्हीसल हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, व्हीकल होंगे, उन्हें भी हम सीज करे जा सकते हैं। कब, एनी व्हीसल विच हैज बीन विद इन द इंडियन कस्टम वाटर, any aircraft in India or any vehicle which has been adapted or fitted or structured in manner that purport or enable to concealment of goods। अब इन्होंने कहा कि कोई भी गाड़ी होगी, कोई भी एयरप्लेन होगा, कोई भी व्हीकल हो गया, उसे इस तरीके से बनाया गया है, उसे इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें हम कोई भी इलीगल मतलब प्रोहिबिटेड गुड उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उस गुड्स को क्या करा जाएगा, उसे कॉन्फिस्केशन कर लिया जाएगा। सिंपल, एनी कन्वेंस फ्रॉम विच गुड्स आर डिस्ट्रॉय प्रिवेंट सीजर। कोई भी कन्वेंस जिसके द्वारा गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया इसलिए कि उसे सीज ना करा जाए तब भी कॉन्फिस्केशन कर दिया जाएगा। कन्वेंस विच हैड टू स्टॉप लैंड बट डिड नॉट टू
didn't do so except for substance cause. कोई भी कन्वेंस स्टॉप करा गया है किसी लैंड पे जहां उसे नहीं होना चाहिए था, उस टाइम में भी उस कन्वेंस को सीज कर दिया जाएगा. एनी व्हीसल फ्रॉम विच गुड्स विच हैज बीन क्लियर फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर द क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर द अनलोडेड विदाउट अननेसेसरी परमिशन. कोई भी गुड्स को अनलोडेड करा गया है, एक्सपोर्टिंग करा गया है फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, जहां अनलोडेड नहीं करा गया इसका मतलब उसे परमिशन नहीं थी, तब भी उस गुड्स को क्या कर देगा, कॉन्फिस्केशन कर दिया जाएगा. एनी कन्वेंस विच कैरी गुड्स इन टू इंडिया बट विच वर लेटर मिसिंग विदाउट एनी अकाउंट फॉर एनी एंड फॉर द लॉस. कोई भी गुड्स जो इंडिया लाया गया है मगर वो मिसिंग कर दिया गया है कि उसमें कुछ लॉस ना हो, उस भी गुड्स को, उस भी कन्वेंस को कॉन्फिकेशन कर दिया जाएगा. एनी कन्वेंस और एनिमल यूज फॉर सामग्री, कोई भी हम एनिमल को यूज कर रहे हैं, मूवियों में देखा होगा हम क्या करते हैं, फिश के अंदर ड्रग्स भर के स्मगलिंग करते, तो वेस्ट टाइम में भी उस गुड्स को क्या कहा, उस कन्वेंस को कॉन्फिकेशन कर दिया जाएगा. 150 किसकी बात करता है, कन्वेंस ऑफ कॉन्फिकेशन. 18 डील विद द कॉन्फिकेशन ऑफ पैकेज where the goods imported exported are liable to confiscation, the package within with package within which they are the cashed or carry are to be all liable to confiscation. 19 ki baat kare to state that any goods used to conceal the smuggled goods are also liable to confiscation. Koi bhi goods jise smuggling ke dwara use kara, smuggler ke liye use kara jata hai, use bhi confiscation kara ja sakta hai. 122 और 121 स्टेट दैट वेयर द स्मगल गुड्स अंडरगो अ चेंज इन देयर फिजिकल फॉर्म पोस्ट और स्मगलिंग इवन दे वुड बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन. एग्जाम गोल्ड बार गोल्ड लेटर कन्वर्टेड टू ऑर्गम. सिंपल सी बात कहेगी, ऐसे गुड्स जिनका उनका शेप चेंज करके उन्हें लाया जा रहा है, उन्हें स्मगल करा जा रहा है, उस टाइम में भी क्या वो गुड्स क्या कर लिए जाएंगे, कॉन्फिकेशन कर लिए जाएंगे. स्टेट दैट अजुटके अथॉरिटी सेल गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट. सिंपल बात है, अगर कोई का भी गुड्स कॉन्फिकेशन करा जा रहा है, कोई भी कन्वेंस करा जा रहा है, किसी पर्सन को अरेस्ट करा जा रहा है, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी. सिंपल, तो ये उसी से रिलेटेड हो गई, ज्यादा कुछ है नहीं, ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी जाती है तो उसका रिफंड की बात करते हैं. Where on export of goods any duty has been paid, such duty shall be refunded to the person by whom or on the whose behalf it was paid. If the goods are returned to such person otherwise then by of resale, or goods export करी गई है और export करने के बाद वो goods को return कर दिया जाता है, उस time में export duty pay करी दी जाएगी, वापस दे दी जाएगी. The goods are re-imported within 1 year from the date of exportation. और जब गुड्स एक साल के अंदर उसे इंपोर्ट करा गया और इंपोर्ट करने के बाद उसे एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट करा गया फिर उसे इंपोर्ट कर दिया जा रहा है, तो उस टाइम में भी एक साल के अंदर तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसमें भी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी. एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ सच ड्यूटी विज मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच द ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर फॉर क्लेम्स ऑफ गुड विच दे आर इंपोर्टेड बैक. अगर इंपोर्टेड बैक आया, माना दो चीजें यहाँ पे, रिटर्न मैंने एक्सपोर्ट करा, ठीक है, एक्सपोर्ट और जिससे मैंने एक्सपोर्ट करा उसने वापस दे दिया मुझे, उसने क्या करा वापस दे दिया मुझे, तो उस टाइम में भी हो जाएगा, उस टाइम में भी गुड्स पे जो मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी उसको मुझे रिफंड मिल जाएगा. या फिर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और जो जिससे मैंने एक्सपोर्ट करा उसने इम्पोर्ट कर दिया विद इन 1 ईयर, उस टाइम में भी मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड मिल जाएगी. मगर Within a 6 month के date के अंदर हमें application form करनी पड़ेगी for the refund. Refund of import duty, वही चीज है, the export are found to defective हो जाएगा और in conformity with the specification. कोई भी goods अगर defective हो या फिर जो मंगवाया वो नहीं है, उस time में import duty pay कर दी मिल जाएगी. Importer does not claim any duty drawback within respect of goods, तब हमारी import duty मिल जाएगी. If the goods are exported back, importer relinquishes his title to goods, they are destroyed in the presence of proper officer, उस time में भी हमारी क्या मिल जाएगी, import duty मिल जाएगी. पर फर्क क्या है, 6 month के अंदर हमें relevant date के अंदर हमें pay बताना पड़ेगा. Now miscellaneous assessment of duty according to section 14. Custom Act prescribed that the method for self-assessment of duty, the importer and exporter must self-assess the duty if any liable on such goods. This self-assessed good may be verified, examined or tested by the proper officer. कोई भी अगर कस्टम ड्यूटी पे करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी होती है, वो जो सेल्फ असेसमेंट होती है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा करी जा सकती है.
इसी से रिलेटेड इसमें वो सेल्फ असेसमेंट से बात करते हैं. प्रोहिबिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एट एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन. फोर, कब कब कोई भी गवर्नमेंट कभी भी किसी पर्सन को कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करने से, कोई भी गुड इम्पोर्ट करने से मना कर सकती है. किन किन सिचुएशनों में? मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डीकेसी, स्मगलिंग के लिए, कन्वर्जन ऑफ एक्सचेंज के लिए, सेफ गार्ड ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनिमल, नेशनल ट्रेजर, पेटेंटेड ट्रेडमार्क, कन्वर्जन ऑफ एनी लॉ और इन द पब्लिक. गवर्नमेंट कभी भी मना कर सकती है कि वो गुड्स नहीं हम एक्सपोर्ट कर सकते, इंपोर्ट कर सकते अगर इन चीजों में से कोई भी हमारी चीज को हानिकारक पहुंचता है. सिंपल. ऑफेंस, द फॉलोइंग वुड कंस्टिट्यूट ऑफेंस अंडर एक्ट 13. किसे इन सब को हम ऑफेंस मानेंगे? एनी मिस डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विजविज, साथ ही साथ वैल्यू का भी हो रहा है, वेट का भी हो रहा है, ओरिजिन का भी हो रहा है. वायलेशन ऑफ अलाई, एग्जाम्पल वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ड्रग, कॉस्मेटिक एक्ट और फूड लॉ एक्सेट्रा. लैंडिंग ऑफ गुड एट अनऑथराइज पोर्ट, उस टाइम में भी क्या ऑफेंस मान लिया जाएगा? सिंपल. अब उन ऑफेंस जो करिए उन्हें क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए 7 साल की सजा हो सकती है, ठीक है? या फिर ऑफेंस इन्वॉल्विंग ड्यूटी एविजन ऑफ मोर देन 50 लाख, अगर 50 लाख तक का वो ड्यूटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रोहिबिटेड गुड नॉन लायबल, उन्हें कभी भी, इसका मतलब उन्हें हरदम नॉन वेलिएबल, उन्हें लंबे समय तक जिनका बेल नहीं हो सकता उसके लिए उन्हें सजा दी जा सकती है, ठीक है? फ्रॉडलेंट ड्यूटी ड्रॉबैक, क्राइम एक्सीड 50 लाख रुपीज इज आल्सो नॉन वेलिएबल. और यहां तो 7 साल की सजा थी, ये नॉन वेलिएबल, उन्हें बेल नहीं मिलेगा उस चीज के लिए अगर 50 लाख से ज्यादा की वो ड्यूटी बचाते हैं या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हैं तो 50 लाख से ज्यादा ले रहे हैं, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, उन्हें नॉन वेलिएबल की सजा सुना सकते हैं. सिविल लाइबिलिटी, रिकवरी ऑफ ड्यूटी शॉर्ट पेड, इंटरेस्ट चार्ज लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है, गुड्स को अपने पास रख लिया जाए, कन्वेंस को अपने पास रख लिया जाए जितना उन्होंने ड्यूटी करा है. अनअकाउंटेड गुड्स, मतलब जो गुड्स उनके पास अकाउंटेड में नहीं शो कर रहा, वो गुड्स अगर वो स्मगल कर रहे हैं तो उसका 200% तक ड्यूटी पे करेंगे, 5 times द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट इस टाइम भी वो पे करेंगे. सिंपल. एडवांस रूलिंग, the reference through determination by authority of question of law fact specified in application regarding the liability to pay duty in relation to activity proposed undertaken by the applicant. The context of custom act activity above a definition would be import export. Application is made in quarter duplicate with the fee specified and can be withdrawn within 30 days of the application. Imperative to be noted for the matter already pending before the tribunal court or would not be admissible under advance ruling. The ruling must be made within a 90-day application. अब कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों ना रिगार्डिंग द गुड्स की हो, कोई लॉ के द्वारा हो, कोई एप्लीकेशन के द्वारा हो, तो वो हम अथॉरिटी के पास, एडवांस रूलिंग के पास ले जा सकते हैं 30 दिन के अंदर, ठीक है? और जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है वो 90 दिन के अंदर उससे सॉल्व कर देगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी जिस दिन से हमने एप्लीकेशन करा है, एप्लीकेशन अप्लाई करा है. So, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे एमसीक्यू, जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू हो, क्यों ना इस बुक में दिए हो, क्यों ना दूसरे बुक में दिए हो, उन सारे एमसीक्यू को पूरा करेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू को पूरा करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस पेपर जो है, एग्जाम पेपर है, उन्हें सॉल्व करेंगे, और कुछ पेपर मैंने अपने आप से भी बनाए जो इंपॉर्टेंट है उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे. तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद बहुत अच्छा जो पूरा का पूरा अप्रैल है वो हमारे पेपर सॉल्विंग से, कि हमारे जीएसटी में अच्छे से अच्छे 40 नंबर तो कहीं नहीं गए, इतनी की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा. तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.